मैं अभी बेलूर मठ के लिए निकला हूँ और अभी जा रहा हूँ फेली प्लेस जहाँ से मुझे स्ट्रीमर पकड़ना है और वो कुंती घाट की तरफ जाएगा। डायरेक्ट नहीं जाता है बेलूर मठ, कुंती घाट से फिर मुझे कॉस स्ट्रीमर पकड़ना पड़ेगा और वहाँ से मैं बेलूर मठ पहुँचूँगा। तो करीबन एक घंटे का रास्ता है कुंती घाट तक, तो बस अब टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पार्क बना हुआ है एकदम आपके हुगली रिवर के किनारे में, तो यहाँ आप टहल भी सकते हो, बहुत ही सही रास्ता बना है। देखिए ऐसे आपका बेलूर मठ जाने के कई रास्ते हैं, एक तो आप सीधा हावड़ा बस पकड़ के सीधा गाड़ी से पहुंच गए तकरीबन 15-20 मिनट पहुंच जाओगे, पर उसमें क्या मज़ा नहीं आएगा इतना जो आपको स्टीमर से मज़ा आएगा। मैं अभी टिकट काउंटर की तरफ आया हूँ जैसे आप देख रहे हो, और यहाँ से मैं टिकट लूँगा कुंती घाट के लिए फेरी पे। तो कुंती घाट जो केवल 10 रुपये का टिकट है, जैसे कि देख रहे हो मैंने टिकट ले लिया है और यह है 11 रुपये का टिकट, 10 रुपये का नहीं 1 रुपये भी सी, इनफैक्ट अर्ली मैटर्स, बट आधे घंटे बाद छूटेगा। एक्चुअली कहा कि एक घंटे में कुंती घाट के लिए छूटता है। देखिए हावड़ा के लिए तो आप कोई भी पॉइंट से ले सकते हो, बस कुंती घाट जाने के लिए आपको फेरी पे से लेना पड़ेगा और एक घंटे में फेरी छूटता है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। यहाँ पूछने से पता लगा कि एक्चुअली शनिवार को एक घंटे का डिफरेंस में जाता है फेरी, अदरवाइज वीकडे में 35 मिनट के डिफरेंस में कुंती घाट के लिए फेरी रहता है। तो हावड़ा के लिए तो कई पॉइंट्स हैं यहाँ जाने के लिए, और आप जैसे आप देख रहे हो हावड़ा के लिए काफ़ी लोग इंतज़ार करें। हावड़ा की जो फेरी है वो हर 10-15 मिनट में चलती है, तो उसके लिए तो बहुत आराम है और करीब 7 मिनट में पहुँच भी जाती है। ये सामने दूसरा साइड ही बेसिकली हावड़ा है, सामने जो देख रहे हो वही हावड़ा हुआ। सामने देख रहे हो हावड़ा स्टेशन भी दिखाई दे रहा है आपको, लाल रंग का बिल्डिंग, वो यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन है रेलवे स्टेशन। जैसे आप देख रहे हो ये सामने स्टीमर, ये बेसिकली यहाँ अभी रुकेगा और यहाँ लोग बैठेंगे और ये हावड़ा के लिए जाएगा। डबल डेकर तक 3 2 स्टोरेड है, 15-20 लोग ही है, तो शनिवार बोल के भी आज हॉलीडे भी है तो ऑफिस वाले भी कम है और इस समय कम ही लोग जाते हैं। सुबह के समय बिजी भीड़ होता है, शाम को आते वक्त हावड़ा से आते यहाँ से जाते हैं तब बिजी भीड़ होती है। फाइनली कुंती घाट का स्टीमर आ गया है, और जनरली यहाँ 3 मिनट की रुकता है कोई स्टीमर हावड़ा के लिए, तो देखते हैं ये कितना देर रुकता है। आई डोंट बिलीव ये 5 मिनट से बिजी रुकने वाला है। कि आप देख रहे हो कि पूरा स्टीमर में जो एक घंटे में पहुँचाएगा कुंती घाट केवल 5 रुपये और केवल 11 रुपये का टिकट, तो डेफिनेटली कमाई तो संभाली में लॉस में चल रहा है, बस इन सरकार का है इसलिए चला रहे हैं। अनबिलीवेबल 6 लोग केवल, मतलब इतना बढ़िया ब्यूटीफुल ब्यूटी, इतना बढ़िया हवा चल रहा है, लोगों को पता नहीं। एक्चुअली जनरल लोग क्या करते हैं, बेलूर मठ जाते हैं तो बस से या टैक्सी से जाते हैं, बेसिकली बाय रोड जाते हैं, बहुत कम लोग को पता कि स्ट्रीमर से भी जाया जा सकता है और इसके ही मज़ा है। आई थिंक गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, आई डोंट नो व्हाई दिस, बंगाल में प्रमोशन बहुत बहुत बुरा हाल है, प्रमोशन या प्रमोट ही नहीं करते टूरिज्म।
फेरी प्लेस और कुंतीघाट के बीच में हाफ वे पे। एग्जैक्टली एक घंटे में पहुँच गए कुंतीघाट, एकदम पंक्चुअल है और सही समय से निकलो, सही समय में पहुँचा दिया। अब मुझे यहाँ से बेलूर मठ जाना पड़ेगा लॉन्च पकड़ के, और फिर वहाँ से अगर मैं चाहूँ तो दक्षिणेश्वर भी जा सकता हूँ, वहाँ अगेन दूसरा लॉन्च पकड़ के दक्षिणेश्वर पहुँच जाऊँगा। तो यही प्लान है, पहले बेलूर मठ घूमें। तो मैं कुंतीघाट स्टेशन उतरा हूँ, अब मुझे यहाँ 20 मिनट बाद जाएगा बेलूर मठ के लिए। यहाँ बेसिकली हर आधे घंटे में बेलूर मठ के लिए लॉन्च जाता है, और फिर बेलूर मठ से अगेन हर हाफ एन आवर में दक्षिणेश्वर के लिए। तो करीबन 15 मिनट और रुकना होगा, वापस एक और टिकट काटे। ऐसे मैं दिखाता हूँ, 2 टिकट मैंने काटा है, 6 रुपये लगे मेरे यहाँ से बेसिकली बेलूर मठ जाने के लिए, और फिर 11 रुपये लगे हैं बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर जाने के लिए। तो एक साथ मैंने 2 टिकट ले लिया। तो अगर कैलकुलेट करिए तो फेरी प्लेस से बेलूर मठ दक्षिणेश्वर सब बेसिकली मेरा पड़ा, पहले वहाँ से फेरी प्लेस से कुंतीघाट 11 रुपये, 11 रुपये फिर बेलूर मठ 6 रुपये, 17 रुपये और बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर और 11, तो बेसिकली 28 रुपये में मैं 3 जगह घूम लिया। कॉलेज पे नहीं, जैसे हम पीछे देख रहे हो तो ये बहुत सही किया उन्होंने। और देखिए यहाँ क्या, आप एक तो लॉन से जा सकते हो बेलूर मठ, और चाहो तक यहाँ गाड़ी से भी जा सकते हो। बेसिकली यहाँ से बारानगर आपको जाना पड़ेगा ऑटो लेके, जो करीबन 5 मिनट में पहुँच जाओगे, और फिर बारानगर से करीबन टैक्सी से जाओगे तो 20 मिनट, बस से जाओगे तो 45 मिनट में आप दक्षिणेश्वर पहुँचोगे। तो वो भी रूट है जाना। तो बेलूर मठ का वो सामने जो लॉन्च है वो बेलूर मठ के लिए निकलेगा, एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन टू पहुंच गए। अब मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, अंदर फोटोग्राफी के अलाउड नहीं है ना वीडियोग्राफी, पर कहीं के अलाउड है सेक्शंस में, देखते कहाँ के अलाउड है। सो लेट्स सी हाउ इट इज, शुड बी रियली गुड। सरप्राइज विद द स्टेशन, बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है कंपेयर टू जो स्टेशन कलकत्ता में, इनफैक्ट रियली नाइस स्टेशन कलकत्ता में, जितने भी पास है जहाँ से भी लॉन्च निकलते कहीं इतना बढ़िया स्टेशन नहीं बनाया जितना यहाँ है। सो क्वाइट इम्प्रेस्ड। जैसे कि आप देखते हो कई स्टॉल्स है ख़रीदारी के लिए, और सुवेनियर्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो, कोल्डिंग वगैरह भी जैसे मैंने भी लिया, चिप्स वगैरह पैकेट आपको चाहिए हो तो, खाने पीने का भी काफ़ी सुविधा है यहाँ। भेलमुड़ी वगैरह भी है यहाँ, जैसे देख रहे हो यहाँ काफ़ी लोग यहाँ जैसे बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हैं कि एक्चुअली 3:30 बजे से बेलूर मठ खुलता है, तो
अभी करीब 10 मिनट और बाकी है, इसलिए सब इंतज़ार करिए खुलने का। उस तरफ से टाइम देख के आए कि भाई मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाऊँ ताकि मुझे वेट नहीं करना पड़े खुलने के लिए। जैसा देख रहे मेरे पीछे टाइमिंग है सुबह 6:30 से 12 और फिर 3:30 से 8:30 तक, तो ये टाइमिंग ध्यान में रखिए यहाँ आइएगा, ये तो फालतू आपको वेट करना पड़ेगा और सब। तो फाइनली मैं बेलूर मठ के अंदर आया हूँ और ब्यूटीफुल लग रहा है देखिए। वो जब सामने देख रहे हो ये मेन मंदिर है और यहाँ आप जाके मेडिटेशन कर सकते हो। पिछली बार आया तो मैं यहाँ मेडिटेशन करते 1 घंटे तक था, बहुत ही बढ़िया है, ब्यूटीफुल। सुबह सुबह तो और भी अच्छा लगेगा, भीड़ भी नहीं मिलेगा, तो बहुत ही सही है, यहाँ आप ज़रूर आएगा। और देखिए अभी तो भीड़ है काफ़ी शनिवार बोल के, पर आप सुबह हो ना तो आपको खाली मिलता है कोई भी देना पाओ, और वीकडे में जनरली कम भीड़ रहता है। तो सुबह नहीं आ पाओ तो वीकडे में आओ, और आपको कम भीड़ चाहिए और आपको वीकेंड में आना है तो सुबह आइए, तो बेटर मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर। यहाँ देख फोटोग्राफी नॉट अलाउड का बोर्ड लगा हुआ है, पर सभी फोटो खींच रहे, इसलिए मैं भी वीडियो ले रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। आराम से सब वीडियो, कोई रोक टोक भी नहीं है, स्ट्रिक्ट दे नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। तो आप यहाँ आराम से वीडियो फोटोग्राफ ले सकते हो, अगर टोके तब मत लो। मंदिर में जाने के लिए आपको स्लीपर्स उतार के जाना होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। स्लीपर्स आपके रखने का जगह बनाया हुआ है तो आराम से स्लीपर्स छोड़ के जा सकते हो, कोई लेता नहीं। तब जैसा देख रहे हो काफ़ी फैला हुआ है जगह, कितने लोग आ जाएंगे, मतलब आपको आराम से मूवमेंट का जगह मिलेगा। और मैं अभी जा रहा हूँ सामने घाट की तरफ, यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा आता है हुगली रिवर का, काफ़ी बिल्डिंग्स है यहाँ, जहाँ अंदर जाके देख सकते हो, म्यूजियम्स बने हुए, छोटे लाइब्रेरीज है, तो आराम से 1-1.5 घंटा आप यहाँ गुजर सकते हैं। और मेन कैंपर में तो आप चाहो कुछ देर बैठ जाओ, बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ये आना तो मतलब कलकत्ता होते यहाँ तो आप जरूर आओ, मतलब इट इज़ अ मस्ट सी। जैसे आप देख रहे हो काफ़ी जगह है घूमने के लिए, बड़े बड़े ग्राउंड्स है, गार्डन्स हैं, यहाँ लोग पिकनिक बना रहे हैं अपना बैठे हुए हैं, पर कचरा नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ काफ़ी लोग अपना पैकेट्स यहाँ छोड़ दें, ये नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट। और अब यहाँ आराम से देखिए इतना ब्यूटीफुल हुगली रिवर का मज़ा लो, मौसम भी बढ़िया, विंटर में डेफिनेटली आने लायक। जैसे कि मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा लोग पिकनिक बैठ गए करने के लिए, एज लॉन्ग एज डर्टी नहीं करी प्लेस ठीक है, क्योंकि लंबा बड़ा ग्रुप हो तो 2-3 घंटे अपने यहाँ बैठ गए, रिलैक्स कर लिए। ये आए चंडीगढ़ से और ये भी बेलूर मठ घूमने आए हैं, अब बताएं आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी नाइस प्लेस, ओके, एवरीवन शुड विजिट इट वंस इन अ व्हाइल यू कुड से, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस बट स्टिल फॉर मेंटल पीस इज अ वेरी गुड प्लेस। थैंक यू। और आपको कैसा लगेगा? और दक्षिणेश्वर कैसा लगा? इट्स गुड, होली यू कुड से। और ये कल जा रहे हैं नेशनल म्यूजियम, उसके बाद जाएंगे कालीघाट। आई एम नॉट श्योर कालीघाट में कितना मज़ा आएगा इनको, यहाँ का एक्सपीरियंस इनका देख के, तो कालीघाट वुड बी लेट्स सी यू आर टू इंडिया। ओके, सो इनके पूरा टीम आए एक्चुअली और ये भी चंडीगढ़ से हैं। या आई एम फ्रॉम अयोध्या, ही इज फ्रॉम गुजरात। अयोध्या से? यस। अरे वाह। और गुजरात मतलब और कम्युनिटी, पंजाबी, गुजराती, यूपी, बंगाल, बंगाल, यू आर ऑल्सो फ्रॉम यूपी? लखनऊ। लखनऊ।